मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री गिरिराज किशोर जी का, जो कि एक जाने माने गांधीवादी विचारक हैं. उन्होंने गांधी की जीवनी और गांधी की जी की सीख पर कई लेख लिखे हैं. उनके हिंदी के जो लेख हैं वो कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुए हैं, भारतीय और विदेशी भाषाओं में, और काफ़ी अप्रिसिएशन उनको मिला है. साहित्य और शिक्षा की दुनिया में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए 2007 में श्री किशोर जी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया. श्री गिरिराज किशोर आईआईटी कानपुर में रजिस्ट्रार के तौर पर भी काम कर चुके हैं, और साथ ही वहाँ के सेंटर फॉर क्रिएटिव राइटिंग के हेड रह चुके हैं. श्री गिरिराज किशोर एक खूबसूरत स्टोरी टेलर भी है. तो इसी अब मैं आपका तहे दिल से आमंत्रित यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ. आदरणीय भाई चंचल जी और दोनों युवा मित्रों, मस्तो जी और सभी उपस्थित नौजवान मित्रों, मैं एक घंटे के लिए यहाँ आया था क्योंकि मुझे जाना है अभी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग किस तरह से विचार करते हैं ये पद्धति मुझे मालूम है, क्योंकि गांधी के ऊपर बात करना अब कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है. इसलिए नहीं है कि गांधी को आप एक जगह से अगर दुत्कारेंगे तो 10 जगह बहुत बड़ा आदमी नजर आएगा. गांधी हमारे बीच एक ऐसी उपस्थिति है जिसको हम नकार नहीं सकते, कोई नहीं नकार सकता, मोदी जी भी नहीं नकार सकते. कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो उनको नकार सके. इनके बारे में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि गांधी एक ऐसी कसौटी है, उसके ऊपर किसी को भी कसा जाए तो उसकी पीतल निकल आएगी. तो इसलिए ये चीज़ें होना बहुत स्वाभाविक है. आदमी का मनोविज्ञान है कि जो आदमी खतरा हो उसके बारे में कोई ना कोई इस तरह की बात कहो कि उसकी तरफ से ध्यान हट जाए. अभी आपको एक बहुत अच्छी बातें सुना रहे थे. मैं एक घटना, कृपलानी जी ने भाषण देते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सुनाई थी वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको. गांधी जी जब बनारस गए तो वो पढ़ाते थे बनारस में, तो वो गांधी जी के पास आए कृपलानी जी और उनसे कहा कि मैं ये पद नौकरी छोड़ रहा हूं और मुझे कोई काम दीजिए आप. तो उन्होंने कहा मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं, मैं क्या तुम्हें काम दूं. उनको बुरा लगा ये बात कि मिर्जा मुजफ्फरपुर में मैंने इतनी सेवा की, यहां जब आते हैं तब मैं इनकी सेवा करता हूं और इन्होंने कह दिया कोई काम नहीं. इंग्लिश के प्रोफेसर फिर अगले रोज आए, बैठे रहे. उनका कहो कृपलानी कैसे आए, ये कोई काम दीजिए. उन्होंने कहा भाई मैंने तुमसे कल कहा कि कोई काम नहीं है, कि मैं तो ये काम छोड़ चुका हूं, अब देखिए आप बताइए मैं क्या करूं आगे. उस रोज फिर बात पोस्टपोन होगी. अगले रोज जब कृपलानी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा एक काम तुम्हारे लिए मेरे पास है. उन्होंने कहा क्या, कि मेरा खाना बना दे. तो ये वो बहुत चकित हुए, उन्होंने खुद भी ये बात सुनाई है कि बहुत चकित हुए कि मुझसे खाना बनवाएंगे ये. दरअसल उनकी क्या गलती हुई थी कि मुजफ्फरपुर में वो कई बार खाना बना के उनको खिला चुके थे. तो उन्होंने कहा खाना बनाओ, गए तो रह लो. तो उस वक्त तो नाराज होकर चले गए. रात को उन्होंने सोचा अगर ये बात इन्होंने कही है तो
कुछ सोच कर मत के कहिए। कोई ना कोई ऐसी बात है जो इनके मन में काम कर रही है और मुझे मान लेनी चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं खाना बनाऊँ। आगे अगले आके अगले रोज वो जाकर उनको मंजूरी दे गए तो वो उनके लिए खाना बनाने लगे और दोनों साथ खाने लगे। जहाँ भी वो जाते कृपलानी जी साथ में जाते। डेढ़ साल के बाद जब कांग्रेस कमेटी का जनरल इलेक्शन हुआ, कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई और वहाँ नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाया गया तो उन्होंने अपने जनरल सेक्रेटरीज के नाम पढ़ने शुरू किए। उनका तर्क आप देखिए इस तरह का है। तो उन्होंने पढ़ने शुरू किए, जब वो पढ़ चुके तो उन्होंने कहा एक नाम तुम्हारा छूट गया, गांधी जी ने कहा। उनका किसका? क्या कृपलानी का? उसने कहा कृपलानी का? हाँ। कि क्यों, कैसे आप कहते हैं? कि ये बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो खैर अब नेहरू जी को पब्लिकली क्या मना करते, उन्होंने बनाया, उनको सेक्रेटरी बनाया। और उस वक्त जो स्थिति कांग्रेस की थी उनके सेक्रेटरी बनाने से जो आपने कही बात, उन्होंने इतना महत्वपूर्ण रोल अदा किया कि वो जितने भी विरोधी दल थे उनको उन्होंने मिलाया कृपलानी जी ने, और एक ऐसी खिचड़ी बना दी जिसमें कि सबको स्वाद आया। तो गांधी की पहचान बहुत ज़बरदस्त थी, उसको आप नकार नहीं सकते थे। मैं आपको एक और घटना बताता हूं कि डिक्टेटर से उन्होंने कैसे सामना किया। एक बार वो उनके जो बायोग्राफी बायोग्राफर थे, क्या नाम था उनका, नहीं दूसरे वाले, तो वो उनके पास वहां गए और उनके घर ही पर रहे, शायद वो इटली में थे, वहाँ उनके घर रहे, उनके मेहमान रहे, हैं हाँ रोमेरोला, उनके घर गए और उनके मेहमान रहे। रात को लोगों को इतनी खुशी हुई जो लोग जानते थे कि उनके कमरे के नीचे वो वायलिन बजाते रहे, लड़के नाचते रहे, इतना वो पॉपुलर थे। तो उन्होंने कहा कि रोमारोला से कहा कि मुझे मुसोलिनी से मिलना है। उन्होंने कहा कि क्या आप बात करते हैं, जो आपने इज्जत कमाई है वो सब खत्म हो जाएगी, आप डिक्टेटर से मिलेंगे? यहाँ मैं वायदा कर चुका हूँ, उनके आदमी मेरे पीछे पड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि आप एक बार मिलिए, वो आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, ये दुनिया भर की बात। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं मिल लूँगा, अब मैं कह चुका हूँ तो मिलूँगा। आप देखिए मतलब उसका दृढ़ता कितनी थी उनमें। तो उन्होंने कहा, वो गए और उनके साथ देसाई थे उनके सेक्रेटरी और शायद कोई महिला थी, मीरा बेन थी और एक जनरल थे जो उनके खिलाफ थे और उनको निकाल दिया था उन्होंने। तो वहाँ उनसे कहा कि तुम इनको लेके जाना अपने साथ, रोमारोला ने, तो वो भी थे। तो जब वहाँ कमरे में पहुँचे तो दो कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, तो रोमारोला ने कहा कि आप बैठिए गांधी जी से। तो उन्होंने उन तीनों की तरफ देख के कहा आप बैठिए, लेकिन कोई कुर्सियाँ नहीं थी, कहाँ बैठते वो। उन्होंने फिर कहा मुसोलिनी कि आप बैठिए, उन्होंने पास ऑन फिर कर दिया आप बैठिए। तीसरी बार कहा कि आप बैठिए, उन्होंने फिर कहा बैठिए। आखिर मजबूर होकर उनको तीन कुर्सी मंगानी पड़ी। किस तरह से काउंटर उन्होंने किया, क्या उनकी सहनशीलता थी, क्या समझदारी थी और दूसरों के प्रति क्या सम्मान की भावना थी।